प्रधानमंत्री मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या नारा बस ही नारा रह गया? बिल्कुल ये नारा ही रह गया, क्योंकि इनके अंदर कोई दम ही नहीं है इस तरह का, केवल कहने के लिए कथनी है और करनी नहीं है, वो दिख रहा है कि लोग। और ये हमेशा अपने आप को हिपोक्रिज्म में रखते हैं, क्योंकि जिसको कहते हैं ना मखौटा लगा के, बिल्कुल उनकी मखौटा लगा के और बहुरूपिया बने हुए रहते हैं, हर जगह जाते हैं अपने अपने रूप दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी बोला करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा है उस बच्ची को, जिस तरह से नोचा खसोटा गया है, तो एक महिला होने के नाते स्मृति ईरानी जी का क्या कर्तव्य बनता है हम लोगों को समझ में नहीं। सरकार के और उनके मंत्री के और जिस स्टेट में मोदी सरकार के दोस्त बैठे हुए हैं, वो मोदी सरकार का चरित्र सामने आ रहा है। ये प्रधानमंत्री जी बोला करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और बड़े बड़े वादे किए हैं, सब वादा उनका झूठा है। आपको पता होगा कि मणिपुर में भाजपा का सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके राज्य में इस तरह महिला के साथ हुआ और वो कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो जब चुनाव प्रचार आता है, चुनाव का समय आता है, हाल में ही मणिपुर में वो कुछ दिन पहले से ही प्रचार कर रहे थे और जब ऐसी घटना हुई तो वहाँ गए नहीं और बोलने तक के लिए भी उचित नहीं समझे महिला के साथ। विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहिएगा, महिलाओं के बारे में आवाज उठाना चाहिए? देखिए स्मृति ईरानी, जिस तरह कुछ दिन पहले सिलेंडर महंगा हुआ था तो सड़कों पे खड़ी हुई थी, लेकिन आज वो महिला होकर के इतना बड़ा अपराध महिला के साथ हो गया। हम इस स्मृति ईरानी जी से कहना चाहेंगे कि ये समाज में सभी जाति के महिलाओं को, नारी जाति को अपमानित करने का काम किया गया है और समाज में जितनी भी नारी जाति है, समाज की जितनी भी नारी जाति है, सब पे उंगली उठाने का काम किया गया है। तो स्मृति ईरानी जी जो महिलाओं के लिए बोलती है कि महिलाओं का आवाज़ बन के खड़े हैं, तो आज कहाँ छुप गई है, आज उनके मुंह में दही जम गया है। तो मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे देश नहीं संभलता है, आप महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आप वादा किए थे, तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो आप सभी कोई जान रहे हैं, पूरा देश नहीं पूरा दुनिया जान रहा है कि मणिपुर में जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई है एक बच्ची के साथ, उस घटना के लिए हमारे केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी आँख और कान को बंद करके बैठे हुए हैं, उन्हीं को जगाने के लिए, उन्हीं को ये बतलाने के लिए, क्योंकि मीडिया भी उनकी सिर्फ उन्हीं का गुणगान करती है, तो हम लोग उनको जगाने के लिए ये आक्रोश मार्च निकाले राष्ट्रीय जनता दल में। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनका मात्र एक नारा है और उन्हीं से, उन्हीं की सरकार से हमें बेटियों को बचाना है, पूरे देश की बेटियों को, क्योंकि आज जिस तरह की ये मणिपुर की घटना है, इस तरह की आए दिन घटनाएं हमारी महिला जो एथलेटिक थी उनके साथ की घटना, और भी अनगिनत घटनाएं हैं जो केंद्र सरकार के नाक के नीचे हो रही हैं और उनका आँख और कान दोनों ही बंद है। अब आप सभी स्वयं देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि महिला होने के नाते आज एक एक महिला पूरे बिहार के कोने कोने से आई हुई हैं, सबके आंखों में दर्द झलक रहा है उस बच्ची को, जिस तरह से नोचा खसोटा गया है, तो एक महिला होने के नाते स्मृति ईरानी जी का क्या कर्तव्य बनता है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। केंद्र में बैठ करके पहले तो बहुत चिल्लाया करती थी, आज केंद्र में बैठ कर चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल इस चीज़ को दबाने का पूरा प्रयास किया गया कि ये वायरल ना हो पाए, लेकिन ये जिस तरह की शर्मनाक घटना है उजागर होगी ही और हम लोग इसके लिए कभी भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ कभी चुप नहीं बैठेगा। मोदी सरकार के और उनके मंत्री के और जिस स्टेट में मोदी सरकार के दोस्त बैठे हुए हैं, वो मोदी सरकार का चरित्र सामने आ रहा है। उनको पता था कि मैं देश की बेटियों को बचाऊंगा नहीं, इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, नहीं तो देश की बेटी का मैं बक्चक हूँ और मैं उसे दिखा दूंगा, इसलिए वो कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ। सबसे पहले बेटियों को वो जो देश पर जो हिटलरशाही कर रहे हैं ना बीजेपी, उनसे बचाना है और उनके शरण में लाना है, जो हमारे 26 दल के जो महागठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में, और देखिएगा कि बेटियों की कितनी इज्जत होती है और उसे किस तरह से रखा जाता है। काफ़ी दर्द है और सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से हमेशा हमें लगा कि सेंट्रल में ऐसी सरकार बैठी हुई है जहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत बोला जाता है, हर जगह उनके सम्मान के लिए बात किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, और यहाँ पे ये घटना घटने के बाद तो बिल्कुल उनसे विश्वास ही खत्म हो गया।
जैसे कहते हैं ना, सोचते हैं कि कृष्णा भी आज के जमाने में, मतलब जिस तरह से चीरहरण हुआ और इस जमाने में होते कृष्ण जी आए और बचा लिए, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम लोग की वो एक्सपेक्टेशन जो रहता आम आदमियों को, कुछ नहीं, आज तो हम लोग कहीं से कुछ उम्मीद ही नहीं रहा उनसे, और ये देखने के बाद हम लोग का तो बिल्कुल, और स्पेशली हम लोग तो कभी सोच नहीं सकते हैं कि इस तरह से लड़कियों के साथ हो, जो कि अंग्रेज की सरकार में भी इस तरह से नहीं हुआ, जो घटना इस समय घटी है उसके आक्रोश के चलते आज हम लोग राजद पूरी नेत्री जितने भी थे मिलके महिला वाले ने इस तरह के हम लोगों ने प्रोसेशन निकाला। प्रधानमंत्री मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या नारा बस ही नारा रह गया? बिल्कुल ये नारा ही रह गया, क्योंकि इनके अंदर कोई दम ही नहीं है इस तरह का, केवल कहने के लिए कथनी है और करनी नहीं है, वो दिख रहा है कि लोग, और ये हमेशा अपने आप को हिपोक्रिज्म में रखते हैं, क्योंकि जिसको कहते हैं ना मखौटा लगा के, बिल्कुल उनके मखौटा लगा के और बहुरूपिया बने हुए रहते हैं, हर जगह जाते हैं अपने अपने रूप दिखा के रख करते हैं और करने के लिए कुछ नहीं। आज हम सब महिलाओं को उनके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल वो मूर्ति बन के बैठी हुई है, वो मूर्ति बनी हुई है, हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी मूर्ति बनी हुई है और ये मूर्ति बन के बैठे हुए हैं। छोटे छोटे चीज़ों पर इन लोगों की इतनी आवाज़ आ जाती है, इतने लोग सामने आते हैं इस मुद्दे पर बिल्कुल बोल रहे हैं, और आज करने के बाद अनुराग ठाकुर जी अब आ रहे हैं दो दो स्टेटमेंट लेके, उल्टा दूसरे राज्य की कमियां निकाल रहे हैं, उन लोग बहुत फेक वीडियो बना के बिना हाईलाइट करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया को खरीद लेते हैं, फेक वीडियो निकाल लेते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल हम लोग को है कि स्मृति ईरानी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल उस लायक ही नहीं है वो।